अस्सलाम वालेकुम साथियों, तो फिर से स्वागत है आप सबका अपना ही यूट्यूब चैनल उर्दू अनुवादक में। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं कल 9 बजे से परेशान था लाइव आने के लिए, तो 9 बजे लाइव नहीं आ पाया था। बार बार आ रहा था लेकिन आवाज़ कट रही थी शायद, तो आप लोगों तक आवाज़ नहीं आ रही थी इसलिए आप लोग देख भी नहीं पा रहे थे। तो मैं फिर से 10 बजे लाइव आया था, तो जल्दीबाजी के वजह से शायद कुछ आंसर जो है गलत हो गया है लाइव क्लास में, तो उस आंसर को हम लोग सुधार कर लेते हैं। तो सभी कोई जितने भी साथी 3 तारीख के 9 बजे यानी 10 बजे को लाइव आप लोग जुड़े थे, आप लोग अपना आंसर को सुधार कर लीजिए, सही देख लीजिए कि सही आंसर कौन सा है। तो सवाल नंबर एक में हम लोग पढ़े थे रात को लाइव क्लास में, सवाल नंबर एक था कि कवायद को कितने हिस्सों में तकसीम किया गया है। क्या है कवायद को कितने हिस्सों में तकसीम किया गया है? तो ऑप्शन अलिफ देख पा रहे हैं 2, और ऑप्शन नंबर बा देख पा रहे हैं 3, ऑप्शन नंबर जीम देख पा रहे हैं 5, और ऑप्शन नंबर दाल देख पा रहे हैं 7। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 5 नंबर यानी जीम सही हो जाएगा। तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है सवाल नंबर 2 है, मौजूदगी की जिद क्या है? क्या पूछ रहा है? मौजूदगी की जिद क्या है? तो ऑप्शन नंबर अलिफ दिया हुआ है मौजूदा, क्या है ऑप्शन नंबर अलिफ में? मौजूदा। और ऑप्शन नंबर बा में दिया हुआ है आदम मौजूदगी, और ऑप्शन नंबर जीम में दिया हुआ है हाजिर, और ऑप्शन नंबर दाल में दिया हुआ गायब। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? आदम मौजूदगी यानी बा नंबर राइट हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे 3रा नंबर सवाल है कि सिफत की कितनी किस्में हैं? क्या पूछ रहा है कि सिफत की कितनी किस्में हैं? तो सिफत की कितनी किस्में हैं? ऑप्शन नंबर अलिफ देख लीजिए 4, ऑप्शन नंबर बा देख लीजिए 5, ऑप्शन नंबर जीम देख लीजिए 6, और ऑप्शन नंबर दाल देख लीजिए 7। तो राइट आंसर 3 नंबर का कौन सा हो जाएगा? 6 नंबर यानी जीम बिल्कुल राइट हो जाएगा। आप लोगों का सिफत की कितनी किस्में पूछ अगर सवाल में आ जाए तो आप लोगों को बता देना है 6 किस्में है सिफत की। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। सवाल नंबर 4 है, इनमें से फेले अमर कौन है? क्या पूछ रहा है? इनमें से फेले अमर कौन है? तो ऑप्शन नंबर अलिफ दिया हुआ है वह जाएगा, और ऑप्शन नंबर बा दिया हुआ है तुम मत खाओ, और ऑप्शन नंबर जिम दिया हुआ है वह जाए, और ऑप्शन नंबर दाल दिया हुआ है वह आया। तो देख लेते हैं कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। 4था नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा जीम नंबर यानी वह जाए। ये क्या हो जाएगा? फेले अमर। क्या हो जाएगा? फेले अमर। तो चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। आगे है अगला सवाल है, सवाल नंबर 5 में शेर की जमा क्या है? तो ऑप्शन अलिफ दिया हुआ है शायर, और ऑप्शन नंबर बा दिया हुआ है शायरी, और ऑप्शन नंबर जीम दिया हुआ है शऊर, और ऑप्शन नंबर दाल दिया हुआ है अशआर। तो 5 नंबर का कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? दाल नंबर यानी अशआर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है सवाल नंबर 6 है, बुग्ज का मुतरादिफ क्या है? क्या है बुग्ज का मुतरादिफ क्या है? तो ऑप्शन नंबर अलिफ में दिया हुआ है हसद, और ऑप्शन नंबर बा में दिया हुआ है दुश्मनी, और ऑप्शन नंबर जी में दिया हुआ है अदावत, और ऑप्शन नंबर दाल में दिया हुआ है कीना। तो राइट आंसर देख लेते हैं 6 नंबर का। 6 नंबर का राइट आंसर है आप लोगों का अलिफ यानी बुग्ज का मुतरादिफ क्या हो जाएगा? हसद। क्या हो जाएगा? हसद। तो जितने भी साथी आप लोग 9 बजे रात को लाइव यानी 10 बजे रात को लाइव में जुड़े थे, आप लोगों को सही सही कंफर्म कर लेना है, क्योंकि उसमें कुछ आंसर गलत हो गया है। तो इसमें पूरा सभी आंसर राइट दे रहे हैं हम अभी, तो इसका बुक्स का मुतरादिफ क्या हो जाएगा? हसद। तो जितने भी साथी अगर अभी तक आप लोग हमसे कॉन्टैक्ट नहीं कर पाए हैं, व्हाट्सअप नंबर नहीं ले पाए हैं, आप लोग जितने भी नए नए साथी देख रहे हैं, तो आप लोग मेरे व्हाट्सअप नंबर को ले लीजिए, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप लोग चेक कर लीजिएगा, वहाँ भी व्हाट्सअप नंबर आप लोगों को मिल जाएगा। तो इससे आप लोग इसका PDF हासिल कर सकते हैं। तो चलिए व्हाट्सअप नंबर को ले लीजिए पहले, सबसे पहले आप लोग। तो लिखिए 83, उसके बाद है 42, उसके बाद है 94, उसके बाद है 93, उसके बाद है 47। तो इस व्हाट्सएप नंबर को आप लोग नोट कर लीजिए। इस व्हाट्सएप नंबर को अगर नहीं यहाँ समझ पाते हैं आप लोग, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लीजिएगा, वहाँ भी मैं व्हाट्सएप नंबर दे दूँगा। तो चलिए हम लोग फिर 7 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। 7 नंबर में दिया हुआ सवाल नंबर 7 है, इम्तियाज़ अली ताज की पैदाइश कब हुई? ये GK का सवाल है, सही से याद कर लेना आप लोगों को, क्योंकि जनरल नॉलेज से भी आप लोगों को पूछा जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर अलिफ में दिया हुआ है 1892, ऑप्शन नंबर बा में दिया हुआ है 1900, और ऑप्शन नंबर जी में दिया हुआ है 1899, और ऑप्शन नंबर दाल में दिया हुआ है 1902। तो इसका राइट आंसर या 7 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा बा नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बा नंबर। तो 1900 बिल्कुल राइट है 7 नंबर का। तो चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। आगे है 8वां नंबर में है, कुर्सी अच्छी है, इस जुमला में कुर्सी क्या है? तो ऑप्शन नंबर अलिफ देख पा रहे हैं आप लोग मुजाफ, और
ऑप्शन नंबर बा में देख पा रहे हैं मुशारुन अला, ऑप्शन नंबर जी में देख पा रहे हैं मौसूफ, और ऑप्शन नंबर दाल में देख पा रहे हैं सिफत। तो इसका राइट आंसर को देख लेते हैं। आठ नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा जीम, क्या हो जाएगा मौसूफ, क्या हो जाएगा मौसूफ। तो रात को शायद ये क्वेश्चन जो है गलत हो गया था शायद, तो ये क्या हो जाएगा मौसूफ हो जाएगा। तो चलिए नौ नंबर को फिर हम लोग देख लेते हैं। नौ नंबर है, सवाल नंबर नौ में है, मुंदरजा जैल अल्फाज में सही इमला कौन है, मुंदरजा जैल अल्फाज में सही इमला कौन है। तो ऑप्शन नंबर अलिफ में है उठाना, क्या है उठाना, और ऑप्शन नंबर बा में दिया हुआ है इस्तीफ़ा, क्या है इस्तीफ़ा, और जी में दिया हुआ है इसरात, और ऑप्शन नंबर दाल में दिया हुआ है एतराज़। तो इसका राइट आंसर नौ नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा एतराज़, क्या हो जाएगा एतराज़। तो जितने भी साथी को अभी तक मालूम नहीं है कि मैं कितना बजे लाइव आता हूँ, तो मैं डेली नौ बजे रात को लाइव आता हूँ, और आप लोग अगर नहीं जुड़ पाते हैं तो डेली नौ बजे आइए और लाइव क्लास को जुड़िए, ताकि सभी को एक साथ पढ़ने में मज़ा भी आए, और एक टाइम भी फिक्स किया हुआ है कि 9 बजे हम लोगों को पढ़ना है। तो चलिए आखिरी सवाल को देख लेते हैं हम लोग। सवाल नंबर 10 है, जब किसी का कॉल उसके अल्फाज में नकल करते हैं, क्या दिया हुआ है, जब किसी का कॉल उसके अल्फाज में नकल करते हैं तो कौन सी अलामत इस्तेमाल होती है। तो ऑप्शन नंबर अलिफ में देख पा रहे हैं कौसैन, ऑप्शन नंबर बा में देख पा रहे हैं तफसीला, और ऑप्शन नंबर जीम में देख पा रहे हैं वाविन, और ऑप्शन नंबर दाल में देख पा रहे हैं वक्फा। तो इसका राइट आंसर की जो बात करें तो इसका राइट आंसर क्या है वाविन। तो आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है, जो उसमें दो से तीन शायद क्वेश्चन गलत हुआ है रात को जो लाइव में आया था, जल्दीबाजी के वजह से दो तीन शायद गलत हो चुका था, इसलिए मैं इसको दोबारा लाना मुनासिब समझा। और अगर आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं कीजिए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अपने सभी साथियों तक शेयर कर दीजिए, ताकि सभी को फ़ायदा हासिल हो। तो चलिए साथियों यहीं तक आज का वीडियो को ख़त्म करते हैं, फिर आप लोग लाइव के लिए तैयार रहे। कौन को लाइव में आना चाहते हैं थोड़ा कमेंट करिए आप लोग, बता दीजिए। तो खुदा हाफिज़ साथियों, फिर मिलते हैं 9 बजे रात को लाइव क्लास में।